Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to continue chapter 8, cards and wheels. In previous video we already learned about circle, radius, diameter, right? Formula of diameter and formula of radius. How to find out the today we are going to see how to find out the diameter of radius or find the radius of diameter. Here find the diameter of radius means yahan pe radius is given, right? Radius is given. R is equal to 6 centimeter. R is equal to 11 centimeter. R is equal to means radius. Radius is equal to 10 centimeter. Radius is equal to 15 centimeter. So find the diameter of radius. Right? Now how to find out the diameter? अब हमें diameter find out करना है. So formula is a d. Diameter is equal to radius. अब radius पूरा लिखने की जरूरत नहीं, only r लिखोगे तो चलेगा, right? R is radius. अभी यहाँ पे लिख रहे हैं radius multiply 2. अब radius is equal to 6 multiply 2. 6 2s are 12 centimeter. Means आपका जो circle है, circle, this is the center and this is the radius, right? So center to circle 6 centimeter. So diameter is equal to 6 centimeter. 6 6 6 कितनी बार है? 2 times 6 2s are double करना है. So हमें जो diameter है वो कितना मिलेगा? 12 centimeter मिलेगा, right? पप्पू figure में भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या find out किया. Right? Now, R is equal to 11 centimeter. So, diameter is equal to R multiplied 2. Radius multiplied 2. 11, R is equal to 11 centimeter multiplied 2. 11, 2's up. अब यहां पे देखो. टेबल की कितनी जरूरत है? अगर आपको 11 का टेबल ही नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो टेबल के बिना आपका काम नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, प्लीज 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 आपको कि भी आप टेबल करो. 1 से 10 एंड 11 से 20 तो सबको आने चाहिए. वैसे तो अप टू 25 30 तक सबको आने चाहिए, बट 20 तक तो आने चाहिए, राइट? सो 11 2s are 22 सेंटीमीटर, राइट? नाउ हियर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2. रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2. 10 2s are 20 सेंटीमीटर, राइट? नाउ रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. सो डायमीटर, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला. अभी ये फोर्थ है, जो फोर्थ में जो ये जो सर्कल है, सर्कल का पूरा चैप्टर है ये, आपको बेस है आपका. अगर आगे जाओगे तो सर्कल के बारे में बहुत कुछ है, मतलब इतना डीप में आएगा तब ये आपको आना ही चाहिए, राइट? डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2. रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2. 15 2s are 30 सेंटीमीटर, राइट? नाउ सी, अब उससे क्या करना है? उल्टा. फाइंड द रेडियस ऑफ डायामीटर. हियर गिवन डायामीटर, सो बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर.
D is equal to 24 centimeter. D is equal to 32 centimeter. Now formula is diameter दिया गया है और radius find out करना है. So मैंने क्या करना पड़ेगा, radius is equal to diameter by 2. यहाँ पे diameter find out करना था तो radius multiply 2 किया था. Radius find out करना है diameter by 2 means diameter दिया है तो उसका हमें क्या करना है, half करना है, right? So here diameter is equal to 18 centimeter divide 2. अब 2 के टेबल में 18. अब बोलो अब टेबल में आएंगे तो आएगा नहीं आएगा, है ना? So 2 9s are 18, right? So here 9 centimeter अगर नहीं आता है तो कैसे करना पड़ेगा, 18 divide 2. 2 9s are 18. 0 0 9 centimeter मीटर, राइट? और आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये सर्कल है और सर्कल में आपको क्या दिया गया है, डायामीटर. दिस इज द सेंटर और डायामीटर दिया गया है 18 सेंटीमीटर. अब 18 का हमने हाफ किया तो हमें क्या मिला, 9 सेंटीमीटर. सो ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, राइट? नाउ 8 सेंटीमीटर रेडियस is equal to diameter divide 2. Diameter is equal to 8 centimeter divide 2. अब यहाँ पे 2 है, so 2 का टेबल ही आपको आना चाहिए. 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 2 4s are 8. So यहाँ पे answer is the 4 centimeter. अगर ऐसे समझ में आए तो 2 4s are 8. 0, answer is 4 centimeter, right? Now here radius is equal to diameter divide 2. 24 centimeter divide 2. अब 24, 2 के टेबल में 24 नहीं आएगा, but आपको पता होना चाहिए कितना 2 का 24 होगा. कितना 2 का होगा, जिसको टेबल्स आते होंगे उसको तुरंत पता चलेगा, 12 2s are 24, राइट? सो अगर नहीं आता है सो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा. 2 1s are 2 0, 4 2 2s are 4 0. सो आंसर इज द 12 सेंटीमीटर, राइट? डायरेक्ट आपको आता है तो 12 2s are 24, सो आंसर इज द 12. कितना 2s होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. Now radius is equal to diameter divide 2. 32 divide 32 centimeter divide 2. अब यहाँ पे 32 कितना 2s का 32 होगा. 11 से 20 के टेबल आप याद करोगे, सबका 2s याद करो. 11 2s का 22, 12 2s का 24, 13 2s are 26, 14 2s are 28. इस तरह से पूरा याद करोगे तो पता चलेगा 16 2s are 32, right? तो here 16 centimeter. ये direct जिसको table आता है वो. अगर नहीं आता है तो फिर 32 divide 2 करना पड़ेगा. तो ये सब करना पड़ेगा. 2 1s are 2, 3 minus 2 is equal to 1, 2, 2 6 are 12, 0, 0, answer is a 16 centimeter. Right children? तो इस तरह से diameter और radius find out करना है. Right children? I hope you can understand. Right? Bye!